अभी कुछ ही दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक बड़ा ही शरारती सा मैसेज आया कि 98% पत्नियां ये नहीं चाहती कि उनके पति का कोई दोस्त उनके घर आए, लेकिन 100% पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नियों की सब सहेलियां उनके घर आएं, बल्कि ज़रूर आएं। बड़ा ही लाइट सा मैसेज है ये। इस मैसेज ने मुझे गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि औरतों का प्यार मर्दों के प्यार से कम या हल्का होता है, हरगिज नहीं। लेकिन बेशक मर्दों का इजहार मोहब्बत ज़्यादा वाइल्ड होता है। मे भी कुदरत ने उन्हें शारीरिक तौर से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है, शायद इसलिए। मगर इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत का ताज, चाहे वो कांटों वाला ही होता है, मर्द के हिस्से में ही आता है। इसके लिए चाहे उसे जंगलों या रेगिस्तानों में भटकना पड़े, संगसार होना पड़े, पशु चराने पड़े या जोगी होना पड़े, मर्द के लाफानी कुर्बानी के जज्बे के अलावा इसमें उसका आखिरी दम तक का जुनून भी शामिल होता है। फिर चाहे पहाड़ चीर कर नहर निकालनी पड़े या ताजमहल बनवाना या बनाना पड़े, अपने अपने इश्क को बयान करने के ये सब छोटे बड़े तरीके और जरिए हैं, वरना किसी का प्रेम किसी से कम नहीं। अधिकतम प्रेमियों की प्रेम कथाएं सुनने को मिलती हैं। प्रेम स्थलों का जिक्र ना के बराबर ही होता है, सिवाय ताजमहल के। ताजमहल का जिक्र मोहब्बत की निशानी के तौर पे होता है, साथ ही दुनिया के 7 अजूबों में से एक के तौर पर भी होता है। अपने वैभवशाली आकार के कारण जल्दी दिखाई देने वाला प्रेम स्मारक है, अमीर आदमी की मोहब्बत का सबूत। कहते हैं 20,000 मजदूरों की लगातार मशक्कत से 22 सालों में तामीर हुआ था ताजमहल। लेकिन मेरे जहन में एक और प्रेमी उभर रहा है, जिसने अपनी बेगम की याद में 22 साल एक ही काम को करने में सर्फ कर डाले। मेरी नजर में इस अकेले बंदे की मशक्कत 20,000 मजदूरों की मशक्कत पे भारी है। इसके 22 साल शाहजहां के ताजमहल बनवाने के 22 सालों से ज्यादा कीमती हैं। मैं बात करना चाहूंगी दशरथ सिंह मांझी की। जी हाँ, दशरथ सिंह मांझी। कहाँ एक पावरफुल बादशाह और कहाँ एक अदना सा गुमनाम मजदूर, मगर इन दोनों में एक बात कॉमन है, ताजमहल बनकर तैयार होने की वजह शाहजहां की मरहूम बेगम मुमताज। दशरथ सिंह मांझी के दुनिया में इज्जत और प्रसिद्धि पाने की वजह इनकी मरहूम बेगम फागुनी। मेरी नजर में दशरथ सिंह मांझी इतने ऊंचे इंसान हैं कि इनका परिचय देने के लिए सारे शब्द नीचे रह जाते हैं। मैं आपको जानबूझकर इनका परिचय ना देकर आपको एक जिम्मेवारी दे रही हूं कि आप इन्हें जानने के लिए स्वयं साधन खोजें, आपके दिल में इनके लिए प्रेम बढ़ जाएगा। इनकी सारी जिंदगी सच्चाई और लगन से भरी है, और ये कहानी नहीं है।